जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, 11:02 हो गई है रात की, और सभी ने रिक्वेस्ट किया था। सबसे पहले आपको महावीर भगवान के दर्शन करा देता हूँ मैं। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा गया। तो एक सेकंड, लाइट भी नहीं जलाया अभी तक मैंने। तो आज का दिन काफ़ी अच्छा गया दोस्तों, और एज यू कैन सी कि निफ्टी जैसा मैंने बोला था वैसा 200 पॉइंट ऊपर गया। और आज आप लोगों ने कमाल किया कि 5000 व्यूज़ में अभी तक 2400 से 2500 लाइक्स आ चुके हैं, जिसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, जिस चीज़ के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ वो आज आपने किया है। तो शायद ही दुनिया का कोई, अपना जो स्टॉक मार्केट का कोई ऐसा यूट्यूबर होगा जिसके 5000 व्यूज़ में 2500 लाइक आए, एक भी नहीं है। तो ये आपने कमाल किया, लेकिन ये आज आपने तब किया जब मैंने ऐसी धमकी दी कि मैं नहीं आऊँगा, और आपके कम से कम भी, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके कम से कम भी 350 मैसेज अभी तक व्हाट्सएप में आ चुके, सर प्लीज़ आइए, हमसे क्या गलती हो गई, हमारा क्या गलती है, कुछ लोग नहीं करते तो हम तो कर रहे हैं। तो मैं, आपको लगता है मैं ऐसा इंसान हूँ कि आपको धोखा दे दूँगा या साइड में, लेकिन ऐसा नहीं है। मगर कहीं ना कहीं चुभता है कि इतना लेवल का, इतनी मेहनत ड्यूरिंग द मार्केट, अपने ट्रेड्स छोड़ के आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ, तो कहीं ना कहीं यार दिल में लगता है। और देखिए, मैं उनसे तो नाराज़ ही नहीं रहता, जो लोग यहाँ डिसलाइक दबाने आते हैं वो कौन है बेसिकली, या तो मेरे से गाली खाए हुए हैं, या मैंने उनको ब्लॉक किया हुआ है, या उनको मैंने अच्छी से फटकार मारा है, और या फिर वो लोग जो अदर चैनल्स के, जिनके चैनल्स चलते नहीं हैं, जो देखते हम तो ऐसा कर नहीं सकते जैसा ये कर सकता है, क्योंकि उनमें वैसा टैलेंट है ही नहीं और हो भी नहीं सकता है, किसी में भी नहीं हो सकता है, ये खुला दावा है। पूरे हिंदुस्तान में जो मैं कर सकता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा इंसान नहीं जो ऐसा कर सकता। लेकिन अच्छे यूट्यूबर्स काफ़ी है जो आपको नॉलेज इम्पार्ट कर रहे हैं, मगर ऐसे ये लोग जो खाली यहाँ पे आते हैं ना, वो डिसलाइक दबाने के लिए आते हैं, लेकिन इनका भी खाना तब तक नहीं पचता जब तक मेरा वीडियोज़ नहीं देख रहे, क्योंकि इनको पता है इनको ट्रेड्स भी मेरे अकॉर्डिंगली लेना है। तो एनीवे, दिस इज़ नथिंग बिग, मगर आज बहुत अच्छा लगा और आई एम कमिंग बैक। तो आज मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले चार्ट देखा, थोड़ा गुस्से में था तो अभी चार्ट देखा तो निफ्टी का चार्ट कैंडल बहुत ही अच्छी बनी है, तो कल हमको 963 दिखा देगी। जो 962 का हाई बना था फ्राइडे को, वो कल फ्राइडे को फिर से बन जाएगा। तो अगर आप इसकी स्टोरी देखोगे तो 962 फ्राइडे एंड 578 मंगलवार, 578, लेकिन बुधवार को छुट्टी, वेनेसडे वाज ए हॉलीडे ड्यू टू बकरीद, और एक ही दिन में आज आपको 830 पे पहुंचा दिया, 830 एक ही दिन में। तो अब आपका 962 कितना दूर रहा, 100 पॉइंट 150 पॉइंट, तो कल क्यों नहीं खींच सकता 150 पॉइंट। तो एग्जैक्टली ये वी शेप्ड रिकवरी होगी निफ्टी में। बैंक निफ्टी हाउएवर अच्छी रिकवरी दिखाया था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। तो कल का दिन बैंक निफ्टी की जो कैंडलस्टिक बनी है आज की, उसको बोलते हैं स्पिनिंग टॉप। हालांकि परफेक्ट स्पिनिंग टॉप नहीं है, ऊपर का पार्ट लंबा है, नीचे का पार्ट छोटा है, लेकिन फिर भी एक स्पिनिंग टॉप है। ये भी रिवर्सल का ही साइन है। कल बैंक निफ्टी लीड करेगा मार्केट को, और निफ्टी एक्सट्रीमली बुलिश है, कल आपको नया ऑल टाइम हाई दिखा सकता है। ऑलरेडी मैंने तो ये सब प्रेडिक्शन कर ही दिया, आज के सुबह के वीडियो में ये बोला, मेरा कल तक का टारगेट 963 है। ये बहुत बड़ी बात मैंने बोल दिया था, लेकिन सब कुछ हुआ ऐसा ही। तो ये सब आपके आंखों के सामने चमत्कार जैसा हो रहा होगा, लेकिन ये कोई चमत्कार नहीं है, कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं है दोस्तों। इट्स ऑल प्योरली अ स्टडी ऑफ टेक्निकल्स प्लस द लॉजिक प्लस द माइंड रीडिंग ऑफ द ऑपरेटर्स प्लस द जनरल पीपल। नाउ अगर कल 963 जाता है तो ये क्या होगा, 962 फ्राइडे, नीचे आया 578, फिर से 963 फ्राइडे, यानी कि पूरा एक वी बन जाएगा। लेकिन इस वी शेप के दौरान क्या चेंजेस आई, ये बहुत बड़ी बात है। जब पिछली बार 962 फ्राइडे में आया था, अभी लास्ट फ्राइडे को, तो क्या हुआ था, उस समय सबके पास 16000 के या 16100 के कॉल्स थे, और सबको एक्सपेक्टेशन थी कि 16000 आने वाला ही है, बस द्वार पे ही खड़ा। तो सबके पास उस समय कॉल्स थी, लेकिन
उसने धोखा दे दिया 962 से आपको नीचे लाके आप 578 तक का लेवल दिखा दिया। तो उसके बाद उसने आपका माइंडसेट इस तरह से चेंज किया। जो लोग मेरा चैनल नहीं देखते, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि पूरी इंडिया तो मेरा चैनल नहीं देखते, मेरा चैनल 5,000, 7,000, 8,000 लोग रेगुलरली वॉच करते, इससे ज़्यादा नहीं करते। लेकिन इस इंडिया में बाकी यूट्यूबर्स के वीडियो कुछ लोग 25,000 भी देखते हैं, 50,000 भी देखते, तो वो सारे शॉर्ट में ही है, क्योंकि ये दो दिन ने ऐसा चेंज किया। तो पिछली बार जब 962 आया था फ्राइडे को, तब सबके पास कॉल थे, सबको एंटिसिपेशन था कि 16,000 आएगा। लेकिन इस बार कल अगर 962 आता है या 963 आता है, तब किसी के पास भी कॉल नहीं रहेंगे, जो खाली मेरा चैनल देखते हैं उन्हीं के पास कॉल रहेंगे। तो वो कुछ परसेंटेज के लोग हैं, बाकी सबके पास पुट रहेंगे। तो ये चेंज किया मार्केट ने, सिर्फ ये चेंज किया कि तुमको साथ लेके नहीं चल रहा है, जाएगा तो 16 भी, 16,200 भी जाएगा, 16,500 भी जाएगा, लेकिन तुम साथ नहीं होगे। अब तुम हर राइज पे पुट ही लोगे, क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट ऐसा बन गया। और अब तुम्हारे पास 600 के पुट है, 700 के है, 800 के है, 900 के हो जाएंगे, फिर 16,000 के हो जाएंगे, तुम पुट ही ले सकते हो। क्योंकि ये इनको रीडिंग होती है मार्केट की, इनको पता रहता है कि सेंटीमेंट्स आपके क्या होते हैं। अगर आप एक बार पुट लेके बैठ जाते हो, तो अगर 100 पॉइंट निफ्टी बढ़ता तो आप दोबारा कभी कॉल नहीं लेते, उस समय पुट ही लेते हो, या फिर उस पुट को लॉस में काटते हो। तो ये उनको बढ़िया से पता है ऑपरेटर्स को, तो दे प्ले योर माइंड सेट ऑल्सो। सो निफ्टी को 16,000 तो जाना ही था, क्योंकि निफ्टी ने 915 के ऊपर दो कंजिक्यूटिव, लास्ट थर्सडे और लास्ट फ्राइडे को दो कंजिक्यूटिव क्लोजिंग 915 के ऊपर दे दी थी, क्योंकि उसके पहले का हाई 915 ही था। तो ये तो प्रमाणित है कि निफ्टी 16,000 जाएगा। लेकिन अब जब जा रहा है तो 95% लोग पुट में आ गए, 5% वो लोग हैं जो मेरा चैनल वाच करते हैं या मेरी तरह व्यू रखते हैं। तो ये एक बड़ा चेंज आया। अब कल शुरुआत अगर थोड़ी सी नीचे हो गई तो क्या करना चाहिए, तो मैं कुछ लेवल्स आपको बताना चाहूँगा, बड़े इंपॉर्टेंट लेवल है जो आपको कल दिन के दौरान, अगर आपको 760 का लेवल कल मिल जाए किसी भी कारण से, 15760, तो आप पूरा जोर लगा के बटन दबा के बाई करिएगा, स्पॉट के लेवल्स बोल रहा हूँ, और 710 का स्टॉप लॉस डाल दीजिएगा 710 का, और कल ही आपको 962 क्रॉस होता हुआ दिखेगा, ऐसा मेरा मानना है। और कल हो सकता है तो 16,000 के भी दर्शन करा सकता है। तो नया ऑल टाइम हाई कल बनेगा, ऐसा मेरा मानना है, भले 3 बजे के बाद बने लेकिन बनना चाहिए। दूसरा, अगर 760 के आसपास कल आपको मिल जाता निफ्टी स्पॉट, तो दबा के बाई करिएगा। मैं जोन दे देता हूँ आपको, 750 से 770 का जोन है, 750 से 770 वो बेस्ट बाई जोन, अगर कल आपको नीचे कोई भी डिप मिले तो, मिलना तो नहीं चाहिए फिर भी अगर मिल गया तो, मुझे नहीं लगता मिलेगा। और ये सारे ट्रैप हो चुके हैं, इनको अब छोड़ने वाला नहीं है, ये 16,500 तक नहीं छोड़ेगा आपको, उसके बाद भी शायद 16,800 भी ला दे, तो हू नोस। अब कल का हीरो रहेगा एक तो SBI, मुझे लगता है, जो मैंने ऑलरेडी आज के वीडियो में बोला था। और कल मारुति में भी बड़ी चाल आ सकती है, क्योंकि उसने टर्न अराउंड मार दिया है और आज एक हायर लो एंड हायर हाई बनाया और सस्टेन भी हुआ है अच्छा खासा ऊपर। तो मारुति में यहाँ से ध्यान दीजिए, मेरा टारगेट 8,100 प्लस है 31 अगस्त तक, 8,100 प्लस, कुछ 7,260-70 चल रहा होगा, ठीक है। और भारती ने तो आज ज़बरदस्त मूव दिया, शायद एक्चुअली उस समय कुछ न्यूज़ भी आ गई, ऐसा कहना मैंने सुना है कि कुछ टैरिफ्स बढ़ाए उसने, बट अल्टीमेटली उसके चार्ट्स में भी दिख रहा था ये बढ़ेगा। और इसके अलावा क्या था, ये भी आप NTPC पे भी गौर करिएगा, NTPC आप यहाँ पे बाई करके रख सकते हो, 115 का स्टॉप लॉस डाल के आपको 132 तक जाएगा ये अगले महीने तक, 132-133। और एक फेडरल बैंक 84 रुपीज़ कुछ चल रहा है, मेरा टारगेट इसका 100 रुपये का है 2 महीने के अंदर,
100 रुपये। तो ये सब है कल। ऑल द बेस्ट सबको, और बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और ये प्यार हमेशा दिखाइए दोस्तों। मैं कोई पैसा आपसे मांगता नहीं, कोई चीज़ का भूखा नहीं, सिर्फ प्यार का भूखा हूँ। और प्यार आपका लाइक ही आपका प्यार है। तो अगर आप लाइक दबाते तो मैं समझता हूँ आप मुझे प्यार करते हो। तो मेरा प्यार तो आपको, आप एक दोगे तो मैं 3 देने वाला आदमी हूँ, ये आपको पता चल ही गया होगा। तो इतना दिल रखने वाले को सिर्फ लाइक्स के बटन आप दीजिए। मेरी कोशिश हमेशा रहेगी आपको पहले से हमेशा अपडेटेड रखूँ हर चीज़ के लिए, ताकि आप फुल्ली प्रिपेयर्ड रहो क्या होने वाला। तो जय जिनेन्द्र, रात हो गई है काफ़ी, तो जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद, लव यू ऑल। और लाइक्स और शेयर जरूर किया कीजिए वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक जुड़े। जो लोग उन फालतू लोगों के चैनल देख रहे हैं जिनके 20-20 हज़ार व्यूज़ आ जाते हैं और उनको आता नहीं है बाबा जी का घंटा भी, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर, अभी मैं कुछ की नकल भी उतार सकता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ ये अच्छी बात नहीं होगी तो छोड़ दीजिए। कुछ लोग तो आपको वो चैटिंग भी करते हैं, सुपर चैट लाइए आपको। हाँ, इसका स्टॉक का बताऊँ, इसका बताऊँ, हाँ 100 रुपया, हाँ अनिल जी ने 100 रुपया दिया, हाँ आपका कौन सा डिवीज लैब, इसका इतना इतना स्टॉक लो सके। साले मास्टर, साले खुद को कुछ नहीं आता तू, तो ये लोग किस हक से पैसा लेते हैं आपसे। तो इस तरह के बहुत सारे हैं, ज्वाइन लगा दिए, मेरे ज्वाइन में ये मिलेगा, अंदर में ये मेंबरशिप है, ये मेंबरशिप है। अरे साले तेरे बाहर तो कपड़े खुले हुए हैं, तो अंदर क्या दिखाएगा। और तो एनीवे दोस्तों, बी केयरफुल। और स्पेशली ये एस्ट्रोलॉजर से हमेशा बचिएगा, ये लोग हैं सबसे बिगेस्ट चीटर्स, समझे, ऑन अर्थ। आप मुझे एक इंसान ढूंढ के बता दीजिए, चाहे उसकी कुंडली देख के या किसी का भी, एस्ट्रोलॉजर ने 1% भी भला किया क्या? वो साले खुद का भला नहीं कर सकते। तो दैट्स इट। जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।